आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। होते हुए तू उसके दोस्त को काटेगा? ऐसा नहीं हो सकता। धर्म बच्चों, धर्म कुलाड़ी से तेरे 3 टुकड़े किए गए थे। आज फिर वही कुलाड़ी है, वही तू है और मैं तेरे 3 टुकड़े करूंगा। या! तू कायर है, पीछे से आएगा। तेरा चाल, तेरी चाल सब जानता हूं मैं। आज मेरा दोस्त नहीं, कैलाशोर तू बनेगा। तू संदूक के अंदर क्या था? ये संदूक कैसे हिल कैसे रहा था? यहाँ आदमी अपने आप नहीं हिल सकता और वहाँ संदूक ऐसे कैसे? वो कहते हैं ना उस तांत्रिक के 3 टुकड़े करके कहीं दफना दिया था। ए, ए, संदूक में उसका एक टुकड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, चुप रहो। पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? वो टुकड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मॉम, ये संदूक कैसे हिल कैसे रहे अपने आप? अरे यही तो पता करना है। इन दोनों को मैं बाहर निकालती हूँ, जाके मैं अंदर देखूंगी संदूक के अंदर क्या है। तू ऐसा कर,
दोनों जब नीचे जाएंगे ना उनको रोक के रखना, जब तक मैं बाहर ना निकलूं उनको आने मत देना। ठीक है, ध्यान से मॉम। जीजी आप ठीक तो हो ना जीजी? हाँ बस ठीक ही हूँ। मीनाक्षी आंटी बार बार संदूक को क्यों देख रही है, कहीं ना कोई शक। आंटी आप जाइए, मैं हूं ना इनके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मुझे मालूम है बेटा तू यहाँ है, पर नीचे सब लोग आए हुए हैं ना, तो जीजी को उनसे बात करनी होगी, यही बताने आई थी। चले जीजी। चलो आ जाओ। मुझे पता करना है उस संदूक में आखिर है क्या, कुछ आइडिया लगाती हूँ। हाय मेरी सैंडल टूट गई, अभी तो लाई थी 2000 की, आज ये जूती बड़ी काम आएगी। जीजी आप लोग चलिए, मैं ना दूसरी सैंडल पहन के आती हूँ। मेरा बेटा राज का कुछ पता चला? पता नहीं भाभी, राज को कौन ले गया है? राज से कोई क्या चाहता है जो उसे उठा के लेके गया? ये सब तो लग गए बातों में, अब मैं लग जाती हूँ अपने काम। देखती हूँ उस संदूक में जीजी ने आखिर छुपा के क्या रखा है। फोन लगता है कमरे में ही रह गया। ये अनन्या तो ऊपर जा रही है, इसने कहीं मॉम को देख लिया तो? नहीं नहीं इसे रोकना होगा। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस भी 24 घंटे से पहले किसी मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लेती है। राज के पास उसका फोन भी नहीं और उसने किसी दूसरे नंबर से भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ और कौन ले गया उसको? ऐसा भी क्या है इस संदूक में कि मारकर आवाज? अब रुक गई, अब देखती हूँ। राम जी पार लगा दो, संदूक का राज बता दो। राम जी कर दो मेरा काम जी। सब लोग इतनी टेंशन में है, तू कहाँ पे जा रही है? तू रुक जाना। एक्चुअली मेरा फोन ऊपर रह गया, वही लेने जा रही हूँ। अगर गौरी जी का फोन आया और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। देख तू टेंशन मत ले, अगर गौरी भाभी फोन करेंगी और तेरा फोन नहीं भी लगेगा तो हम में से किसी को फोन कर लेंगी ना वो, तू यहीं रुक जा। Oh, yeah.
आप किसे मारेंगी काली माँ? कौन असली है, वो या मैं? अगर आप काली माँ हैं, तो मैं भी काल हूँ। अगर आपके इतने रूप हैं, तो मेरे भी देखिए इतने रूप। किसे मारेंगी? एक हाथ में आया था, वो भी गया काली माँ। क्या कहा? मेरे हाथ में आकर चला गया? मूर्ख! ये मेरी भूल नहीं थी, ये तेरी परीक्षा थी। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कि तेरी शक्तियों की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक है तेरी शैतानी शक्ति। बस इतनी है तेरी शक्ति, इतनी है तेरी ताकत। तो अब सुन, जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है, काली आती है। फिर चाहे काल इस रूप में हो या उस रूप में, काल चाहे जितने भी रूप ले ले, कितनी ही चालें चले, जब ये खड़क चलती है, हर शैतानों को उसकी पापों की सजा देती है, तुझे भी देगी। हम पांच हैं, किसे सजा दोगी काली माँ? के अंदर मतलब उनका क्रोध बाहर है, जो सामने आता है कट जाता है, उन्हें अभी कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक के, स्वयं शिव। शिव के सीने पर पैर रखते ही वो शांत हो जाती है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।